पैर फिसल गया था वो नीचे खाई में, जैसे थोड़ा चल रहा हूँ पूरी बॉडी काम करने लग गई। तो गाइस अभी है ना हम बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुके हैं देवदार के। ये देखो गाइस पेड़ ही है और नीचे को पेड़ ही पेड़, जंगल रास्ता ना बहुत अच्छा लगा मुझे। नीचे का तो बहुत खराब था, यहाँ का थोड़ा सीधा सीधा है और यहाँ पे कुछ टैग लगा है मंदिर का रास्ता ऐसे लिखकर। तो गाइस एक भयानक पॉइंट है यहाँ पे देखो, चट्टान ही चट्टान यार। अभी देखिए यहाँ से 8 किलोमीटर हम पैदल आ चुके हैं, 10 किलोमीटर और चूड़धार रह गए हैं। तो गाइस धुंध आ चुकी है, तो गाइस धुंध लगी है अभी, थोड़ी देर पहले मौसम साफ था बिल्कुल, तो यहाँ चेंज होता रहता है क्लाइमेट। तो गाइस फाइनली हम दूसरे पड़ाव में पहुंच गए हैं, बट गाइस अभी 12 किलोमीटर लगभग चले हैं तो हालत तो बहुत दयनीय हो चुकी है और हेडेक हो रहा है, पसीने आए पहले और बाद में सूख गए और उसके कारण ठंडा हो गया सिर। और गाइस ये है हेवन ऑन अर्थ, जिसको देख के थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है। तो गाइस अब मेरे सिर में ठंड के कारण थोड़ा हेडेक हो रहा था तो इसलिए ये लगा दिया है मुफलर। गाइस अब स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से अब ऊपर जाएंगे। तो गाइस फाइनली देखो यहाँ से दिख रहा है चूड़धार की चोटी, उस चोटी में जाना है हमें, उस वो जो पार है वहाँ पे मूर्ति दिख रही है हल्की सी। तो गाइस हम पहुँचने ही वाले हैं, बस 1 घंटे का रास्ता रह गया है। तो गाइस इनसे पूछते हैं क्या क्या ऐसी कंडीशन है नीरज भाई। हाँ छोटे कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच कर, आया मजा, थका नहीं बहुत है? नहीं नहीं यार अपनी तो रेल बन गई यार, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है यही रहना था बेटा। क्या करे यार, रह सकते उसमें, रह दे पार उसमें रह सकते हैं। तो गाइस अभी हमारे को हो चुके हैं पूरे 5 घंटे पैदल चलते हुए, अब 1 या 2 किलोमीटर बाकी रह गया है। बम बम बोले छोड़ा गया, बहुत ज्यादा बारिश लगता है गाइस, बारिश हो रही है उधर पार को, आवाजें आ रही है थोड़ी पेड़ों की, मतलब बारिश की आवाज आ रही है पेड़ों में, बज रही है ना, तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है अभी। तो गाइस भोलेनाथ से यही प्रार्थना करो कि बारिश ना हो अब, क्योंकि अब पहुंचने ही वाले हैं हम बस। पता नहीं लग रहा है ठंड की वजह से या ऑक्सीजन की कमी से सर दर्द हो रहा है मेरा। तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई है जिसको चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, ये खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो गाइज अब पहुँचने ही वाले हैं, अब आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, आप लोगों के साथ साथ हमारा भी इंतजार खत्म होगा। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही तीखे तीखे चट्टान है रास्ते में,
और गाइस यहाँ पे देखिए भैंसे भी है, भैंसे ये गुजर की है। तो गाइस मेरे को ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें, जैसे थोड़ा चल रहा हूँ पूरी बॉडी काम करना बंद कर रही है और हेडेक हो रही है जैसे चलता हूँ, पता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है मेरे को। तो अभी फिलहाल रुके हैं और ये लोग रोटी खाने लग गए हैं, शायद भूख लग गई इनको, ज्यादा ठंड हो चुकी है अब और ज्यादा, तो चारों तरफ धुंध ही धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस 5 मीटर से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइस हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं जो टी शर्ट में चल रहे, देखो तो राहुल को, बाकी ने गर्म कपड़े लगा दिए, बहुत ही डेंजर रास्ता है यार। अरे मेरे को तो पैर फिसल गया था नीचे खाई में, कैसा रास्ता है भाई ये, हाय उफ, ये पबजी वाला रास्ता है, पबजी वाला रास्ता है भाई। तो गाइस यहाँ पे फैटी आदमी कैसे जाएगा, बहुत ही कंजेस्टिव है यार। ओह माय गॉड, बोले ओहो हाय हर हर वो पहुंच गए गाइस, हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली सालों की तमन्ना इच्छा पूरी हो गई, फाइनली पहुंच गए हैं हम, सारे पहुंच गए हैं और यहां पर अभी जूते जाते खोल रहे हैं और ये है ऊपर शिवलिंग। गाइस हमें यहां तक पहुंचने के लिए पूरे 6.5 घंटे का पैदल रास्ता चढ़ना पड़ा, तो हाय बहुत खुशी हो रही है अभी पहुंच गए हैं हम अरे यहां दर्शन के लिए। तो चलो गाइस ऊपर, बम बम भोले। गाइस खुशी का ठिकाना नहीं रहे अभी, बम बम भोले। अभी नीचे का नजारा नहीं देख पा रहे हैं, तो गाइस सवेरे हम फिर से आएंगे यहाँ पर, आज ही नाइट स्टे करेंगे यहाँ पर, सराय हैं। तो गाइस ये है हमारा ग्रुप जो यहाँ चूड़धार पहुंचा हुआ है। हाय फ्रेंड्स, और कैसे लग रहा है दोस्तों फिर आज? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, हम ठंडा ठंडा महसूस कर रहे हैं। ठंड तो लगेगी भाई जी, क्या करें, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम, अभी सुहाना मौसम तो क्या ही बोले, मौसम तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, वरना आपको यहाँ से जो सीन दिखता है ना, आप ऐसा महसूस करोगे कि क्या जगह है। मुझे हो शंकरा, हे नाथ शंकरा, आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना शंकरा चले ये सांस। अभी हमने कर लिए हैं दर्शन भोलेनाथ के, तो अब जा रहे हैं हम सराय की ओर जहाँ पर हम आज रात स्टे करेंगे। तो गाइज अभी शाम के बज चुके हैं 7:15 मीन्स 7:15। तो गाइज अब चलते हैं। तो गाइज ये जो चूड़धार का मंदिर है या जो भोलेनाथ की मूर्ति है, तो गाइज ये बहुत ही हाइट पर है, यहाँ कम से कम 15 से 16 फीट बर्फ पड़ती है। चूड़धार की यात्रा हमारी सफल रही। गाइस यहाँ पर श्रीगुल महाराज का ये मंदिर है, बट अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा हो चुका है। तो गाइस सवेरे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर मंदिर और सराय। अभी तो चलते हैं रेस्ट करने।